मध्य प्रदेश के समस्त प्रदेश वासियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को यह विदित है कि हम एक अत्यंत कठिन दौर से अभी गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का पालन लगातार कर रही है। देश एवं प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कड़ाई से करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी एवं जवान मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में किसी भी तरह के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है, उसका पालन भी पुलिस द्वारा पूरी कड़ाई से कराया जा रहा है। मैं आप सभी को यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि धारा 144 व अन्य प्रकार के प्रतिबंधों का, जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए हैं, कृपया करके पूरी तरह से पालन करें। यह भी उल्लेखित करना चाहूँगा कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, गरीबों एवं कमजोर वर्गों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ हर समय खड़ी रहेगी एवं उनकी चिंताओं का निराकरण हर संभव प्रकार से करने का प्रयास करेगी। आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा अभी तक 99 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो कि 169 व्यक्तियों के खिलाफ हैं, और साथ ही 207 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस स्थिति में आने से कृपया बचें, अन्यथा अग्रिम कानूनी कार्रवाई में परेशानियां खड़ी होती हैं। आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न राज्यों से आने और जाने वाले वाहन, जो कि ट्रक या अन्य प्रकार के वाहन होते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पुलिस प्रतिबद्ध है। उनके आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं है और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस सभी मैदानी कर्मचारियों को दे दिए गए हैं और समस्त पुलिसकर्मी उसका पालन भी करवा रहे हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि किसी भी तरह के एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई में कोई कमी ना आए। मेरी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरे तौर पर पालन करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के जो एडवाइजरी और नियम बताए गए हैं, उनका भी पूरी तरह से पालन हो, जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य की आवश्यक दूरी को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि कोरोना वायरस के प्रभाव को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाके खत्म किया जा सके। मुझे यह विश्वास है कि मध्य प्रदेश पुलिस को आप सभी का पूरा सहयोग मिलता रहेगा एवं मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस पूरी संजीदगी के साथ और मुस्तैदी के साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।